Hello and very good afternoon to all of you. I welcome you all in the class. My name is Vikas, as you know. And so, bachche aa gaye and good afternoon all. I already have did the message. आज मैंने आप लोगों को पहले मैसेज कर दिया गुड आफ्टरनून का, सो दैट आई डोंट नीड टू विश यू एंड स्टिल आई विश यू अ वेरी गुड आफ्टरनून. एंड स्टार्ट करेंगे आज हम अपना सेशन. लास्ट सेशन में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमने पढ़ा था क्या, हमने देखा था कि डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट में क्या डिफरेंस है. डिफ्यूज़न और ड्रिफ्ट में क्या डिफरेंस है ये हमने कल कवर कर लिया था और मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ गया होगा कल का सेशन. ठीक है, जल्दी से सब कोई आ जाओ यार. बता दो जितने और बच्चे हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई है, सो दैट हम अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ें. एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चूँकि इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, और दूसरी अगर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स समझना है आगे में, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समझने हैं या फिर कुछ भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फर्दर जो भी स्टडी करनी हो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो सबसे बेसिक चैप्टर जो है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है एज द नेम सजेस्ट. तो हम पहले तो इसको कवर कर लेंगे एंड देयर आफ्टर जो भी हमारे चैप्टर्स होंगे उनको हम धीरे वन बाई वन करके सॉल्व करेंगे. देखो, जब आज का सेशन कम्प्लीट हो जाएगा तो हम, अगर आज का सेशन कम्प्लीट हो जाता है जितना मैंने टारगेट रखा है कि इस टॉपिक तक कवर करा के, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो है हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुँची है, आप समझ रहे हैं चीज़ों को या नहीं समझ रहे हैं या सिर्फ बातें हवा में हो रही हैं. तो आप अगर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली मुझे पता है जितने टॉपिक्स हुए हैं उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा. अगर होता है तो थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है जो आपको वो सारी चीज़ें बता देगा, और वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वो क्वेश्चंस करने के दौरान आप लोगों को जो बचे हुए रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हैं वो भी समझ में आ जाएंगे. तो थोड़ा बहुत का इंटरलिंक होता है कि हाँ, थोड़ा और डीप ऑब्जर्वेशन चाहिए होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू देख लेते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, हम क्वेश्चंस करेंगे अगर आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो. ठीक है, कुछ क्वेश्चन है आपका कि गुड आफ्टरनून शाश्वत का क्वेश्चन है, क्या सर मुझे सर्किट इक्वेशन पे प्रॉब्लम हो रहा है. कौन से सर्किट इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना. अगर प्रॉब्लम है कोई तो डेफिनेटली मैं उसको वहीं पे सॉल्व कर दूंगा. स्वाति, अभी मशीन की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, वो जो एक चैप्टर लोड हुआ है, अपलोड हुआ है, वो सिर्फ एक टीजर था. अभी मशीन की क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, मशीन की क्लास होगी पर अभी नहीं हुई है. ठीक है, गुड आफ्टरनून परमार. एंड स्टिल कल जितना क्राउड मुझे आज भी नहीं दिख रहा, वाई इज इट शो. एंड एक बार मैं अपना पेज रिफ्रेश कर लूँ, हो सकता है शायद यहाँ से प्रॉब्लम हो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, है ना. एंड फिर से वही चीज़ नहीं रिपीट करूँगा कि लाइक कर देना यार, आप लाइक कर देना, है ना, ये अपनी ड्यूटी समझ लो आप अपनी कि लाइक कर देना. उसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये बाद में जब YouTube पे अपलोड हो जाता है, अपलोड मतलब जैसे ही ये सेशन ख़त्म हो जाता है तो YouTube पे और व्यूवर्स को चला जाता है, तो लाइक्स जब होते हैं ना तो ज़्यादा रिकमेंडेशन में जाते हैं, एंड ज़्यादा रिकमेंडेशन में जाएगा और उन्हें अच्छा लगे लेक्चर तो हो सकता है वो और बच्चे लाइव में आए. तो आपकी ये ड्यूटी है कि आपको ये परफॉर्म करना है. ठीक है, बस इतनी एक्सपेक्टेशन है आपसे, बाकी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. चलिए, अब देखिए हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, डिफ्यूज़न ड्रिफ्ट पढ़ लिया था. उससे पहले क्या टॉपिक्स कवर करे थे कि भाई एन टाइप पी टाइप किस तरीके से फॉर्म होता है, उसके लिए हम कौन सी इम्प्योरिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं. अब अगर बात करें हम कि भाई हमारा पी एन जंक्शन कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि पी एन जंक्शन कल का टॉपिक था और मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे. तो अब हम आ जाते हैं पी एन जंक्शन डायोड पर डायरेक्टली, और मैंने आपको बताया था कि हम इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर उठाया, एन टाइप सेमीकंडक्टर उठाया और उसको दोनों को चिपका दिया, फैब्रिकेट कर दिया. ठीक है, अब चिपकाने के बाद देखो ये जो जंक्शन है इसको हमने पी एन जंक्शन कहा हुआ है. ठीक है, ये जो जंक्शन, ये लाइन दिख रहा है, ये एक जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पी और एन क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं. देखो ये तो रिप्रेजेंटेशन है
ऐसे ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर है, वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे और आप खरीद के आएंगे तो कुछ ऐसा डायोड, जब आप डायोड की डिमांड करेंगे ना तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ये तो ऐसा कुछ मिलेगा। ये पूरा जो मैंने आपको शेडो शेडेड पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ये ब्लैक में होता है, इधर ब्लैक, इधर पूरा ब्लैक, और यहाँ पे एक बीच में स्ट्रिप होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जब आप जाएंगे और ये वाला जो पार्ट होगा ये एनोड होगा, एनोड यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल वाला पार्ट, और इधर वाला होगा कैथोड। तो वहाँ पे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड, तो आपको ये स्ट्रिप देखना है। ये जो वाइट सा स्ट्रिप मैंने छोड़ दिया है, ये बीच में जो बिल्कुल फिल नहीं हुआ है, या कहीं कहीं पे आपको सिर्फ ऐसा दिख जाएगा पूरा, ठीक है। एक तरफ पूरा शेडेड पोर्शन होगा ब्लैक में, और एक तरफ पूरा खाली होगा। तो जिस साइड खाली होता है माइनॉरिटी पोर्शन, वो हमारा कैथोड टर्मिनल होता है, और जो शेडेड पोर्शन होता है वो हमारा एनोड पोटेंशियल होता है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि क्यों क्यों, मतलब हमने जो सर्किट सिंबल है, सर्किट सिंबल सबको पता होगा डायोड का, तो डायोड का सर्किट सिंबल कुछ ऐसा होता है ना। देखो ये होता है हमारा डायोड का, और ये हमारा पी है, यानी पी टाइप पॉजिटिव, यही एनोड है, ये एनोड है पॉजिटिव, और ये हमारा कैथोड है, ठीक है, नेगेटिव, एंड दिस इज पी, दिस इज एन। अब देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये एक्चुअल में ये जो स्ट्रिप है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको लाइन दिख रहा है, ये जो मैंने एक सिंगल डंडा बनाया हुआ है, ये डंडा जो है, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन, ये हमारा इस स्ट्रिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस डायोड को, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो आप मार्केट में जाएंगे खरीदने, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और ये जो स्ट्रिप है ये हमारा एन टर्मिनल को, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को दिखा रहा है, या एन टर्मिनल को दिखा रहा है, विच इज कैथोड या नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इतने ही फॉर्मेशन या इतने ही स्ट्रक्चर आपको किताबों में या प्रैक्टिकल लाइफ में या रियल लाइफ में, मैं कह लूँ, आपको इतने ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात आते हैं कि आखिर फॉर्मेशन हो गया है, हमने फैब्रिकेट कर दिया है, अब हम बात करेंगे कि आखिर डिप्लीशन रीजन कैसे फॉर्म होता है, बैरियर पोटेंशियल कैसे आता है, किस तरीके से मेजॉरिटी करंट का फ्लो होता है, और किस तरीके से माइनॉरिटी करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी करंट के बारे में अगर हम देखें, तो आपको ये पता है कि पी टाइप की अगर बात करें, हम पहले पी टाइप की बात कर लेते हैं, ठीक है। पी टाइप में अगर हम बात करें तो आपको पता है कि मेजॉरिटी कैरियर जो होते हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, होल्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और माइनॉरिटी क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि नेगेटिव। अब अगर हम बात करें एन टाइप की, तो एन टाइप क्या होगा हमारा, एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी होता है अपना इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव, और माइनॉरिटी होता है अपना होल्स। देखिए एक चीज तो पक्की है कि भाई चाहे पी टाइप हो या एन टाइप हो, आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों में ही होंगे, चाहे वो पी टाइप हो या एन टाइप हो, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही में होंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन होगा दोनों में। अब मेजॉरिटी, अब मैं पी टाइप में आपको बना रहा हूँ मेजॉरिटी कंसंट्रेशन, मेजॉरिटी कंसंट्रेशन मुझे पता है कि इसमें प्लस ज़्यादा होगा, प्लस ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें माइनस नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना। कहने का तरीका है कि होल्स ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे लेकिन कम मात्रा में होंगे। सिमिलरली इसमें भी हमारा क्या होगा, होल्स और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में होंगे और होल्स जो है वो कम अमाउंट में होगा, यानी कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा। अब कंसंट्रेशन मैं कम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऐसा है, कल मैंने आपको बताया कि डिफ्यूज़न करंट क्या होता है, तो डिफ्यूज़न करंट मैंने आपको क्या बताया था कि भाई
हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इन होल्स को फिल करने के लिए क्या करता है, फ्लो करता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन करंट होगा। तो अभी तक हमने कोई भी वोल्टेज या एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं किया है इस डायोड पे। अब देखिए, मुझे ये पता है कि ये आप लोगों को पता है, ये नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि होता क्या है, पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल किस तरीके से फॉर्म होता है वो समझिए। अब मुझे ये पता है कि देखो पॉजिटिव इधर पी टाइप में जो पॉजिटिव या होल्स है वो एन टाइप में भी होल्स है और पी टाइप में भी होल्स है। साफ सीधी सी बात दिख रहा है आपको, ये भी होल्स है यहाँ पे और ये भी होल है, मैं होल बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाला होल इस वाले होल को रिपेल करेगा, ये वाला होल इस वाले होल को, मतलब होल होल को रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज एन टाइप का नेगेटिव चार्ज पी टाइप में नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं कहूँ कि इधर से भी रिपेल और इधर से भी, मतलब दोनों तरफ से ऑपोजिट फोर्स लग रहा है इस तरीके, ये अट्रैक्शन दिखा दिया मैंने, इस तरीके से फोर्स लग रहा है। अब जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ पे फोर्स बढ़ जाएगा, एंड इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है। इस फोर्स की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स की वजह से एक पोटेंशियल फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, और इसी का दूसरा नाम दिया गया है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या दिया गया है, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। अब आपको पता है कि देखो ये फॉर्म फोर्स लगेगा कैसे। अब देखो होता क्या है, ये तो हमने ये समझ लिया कि कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, फोर्स लग रहा है भाई एक दूसरे में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल फॉर्म हो गया कि भाई ये दोनों हमेशा इन फोर्स की वजह से, चूंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या करेगा, किसी फ्लो को आने नहीं देगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल का फ्लो नहीं होगा। पर यहाँ पे क्या होता है, एक रीजन फॉर्म होता है जिसको आपको पता है एक नाम दिया गया है, मैं ये सब हटा रहा हूँ अभी, एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और वो डिप्लीशन रीजन फॉर्म कैसे होता है उसको समझेंगे। देखिए हमें ये पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से, अब होगा क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ जाएंगे, इधर से इधर आके इस यहाँ पे एक रीजन फॉर्म करेंगे। उसका क्या रीजन है मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा हो रहा है डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। अब देखिए आपको ये दिख रहा है, हाँ आपको ये दिख रहा है कि यहां पे एक रीजन फॉर्म हो गया है, और आप ये देख सकते हैं कि एन टाइप, ये जो हमारा एन टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारा मेजॉरिटी कैरियर था, वहां पे होल्स जो है जाके इस साइड में आ गया है। एक्चुअली ये पी टाइप से एन टाइप में चला गया है और यहाँ पे एक रीजन फॉर्म कर दिया। तो चूंकि ये मेजॉरिटी कैरियर था पी टाइप में, पी टाइप वाला कहाँ चला गया है, एन टाइप में। अब देखो भाई, पाकिस्तान वाला अगर भारत में आ जाए तो हम उसे घुसपैठ कहेंगे, या किसी दूसरे कंट्री से कोई दूसरा दूसरे देश का बंदा चला जाता है तो हम उसे घुसपैठिया कहते हैं। और आने के लिए क्या करेगा, डिप्लीट करेगा, कोई बॉर्डर के थ्रू एंट्री होगी भाई, तो एंट्री बॉर्डर के थ्रू तो ऐसे ही में मिल जाएगी भाई, उसको बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे, मतलब वो डिप्लीशन करेगा। डिप्लीशन का मतलब है कि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो डिप्लीट करके, घुसपैठी है ये आदमी, तो डिप्लीट करके पी से एन में चलाया, तो यहाँ पे एक रीजन फॉर्म कर दिया इसने, और इधर से इलेक्ट्रॉन डिप्लीट करके पी टाइप में चलाया तो यहाँ पे एक रीजन फॉर्म कर दिया। अब ये पूरा रीजन जो है हमारा क्या हो गया है, चूंकि ये डिप्लीट करके आए गए हैं तो इसीलिए इस रीजन को हमने नाम दिया है डिप्लीशन रीजन। इस रीजन को क्या नाम दिया है हमने, डिप्लीशन रीजन, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए तो ये हमारा डिप्लीशन रीजन कहलाता है। अब ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ मैं लिख रहा हूं आपको,
डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो होती है विदाउट, ये विदाउट कोई पोटेंशियल, जब हमने कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया है, कोई भी बायसिंग नहीं की, तब ये होता है 0.5 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली, नो बायसिंग पे। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी बायसिंग नहीं की गई है, तब की बात कर रहे हैं। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ देगा कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट विड्थ एक पीएन जंक्शन डायोड में, तो हम कहेंगे 0.5 माइक्रोमीटर का, और ये हमने सिलिकॉन के लिए लिया है, ठीक है। जर्मेनियम के केस में थोड़ा सा अलग होता है। तो एक्चुअली में हमें ये पता है कि भाई जितने भी सेमीकंडक्टर या डायोड्स बनाए गए हैं वो सिलिकॉन से बनाए गए हैं, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा है, सिलिकॉन का जर्मेनियम के ऊपर फ़ायदा है। और क्या फ़ायदा है मैं वो आपको अभी बता देता हूँ, बट फिलहाल आप ये समझिए कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ एट नो बायसिंग, जब कोई भी बायसिंग नहीं की हमने, ना तो फॉरवर्ड ना रिवर्स, तब इसकी विड्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर होती, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से, अब देखो ये हमारा एक डायोड फॉर्म हो गया है विदाउट एनी बायसिंग। अब बात करेंगे हम कि अलग अलग बायसिंग पे ये किस तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई है तो बताओ जल्दी से। और आज अटेंडेंस क्यों कम है? सौम्य कॉन्टैक्ट पोटेंशियल है। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल क्या है भाई? आपको नाम से दिख रहा है कि जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है, कॉन्टैक्ट भाई पी और एन का एक जंक्शन होगा, उस जंक्शन पे एक पोटेंशियल फॉर्म होगा। अब देखो पोटेंशियल फॉर्म होने का क्या रीज़न है भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव, आपको ये पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव से एक पोटेंशियल फॉर्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है लेट से Q1, और इससे यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है Q2। ये अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव है। मैं कहूँ कि यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे Q दूसरा होगा और यहाँ पे Q दूसरा होगा। तो आप ये कह सकते हैं ये Q1 है लेट से कि ये Q2 है। अब नंबर ऑफ चार्जेस अलग अलग हैं, तो ये अलग पोटेंशियल फॉर्म करेगा और ये अलग पोटेंशियल फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा? यही जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको हम लोग क्या कह देंगे? बैरियर पोटेंशियल। सिमिलरली इसी केस में हो रहा है, मैंने कहा कि भाई पी टाइप में पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और एन टाइप में नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस कम है, तो ये दोनों एक पोटेंशियल क्रिएट कर लेंगे। सिमिलरली इधर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं और इधर नेगेटिव चार्जेस पी टाइप में कम है, तो ये भी एक पोटेंशियल क्रिएट कर लेंगे, और इन दोनों की वजह से जो पोटेंशियल फॉर्म होगा उसी को हम लोग कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आ गया समझ में, इसके बाद हम आते हैं कि फॉरवर्ड बायस केस में और रिवर्स बायस केस में क्या होता है। तो फर्स्ट केस, केस फर्स्ट में ले रहा हूं, केस फर्स्ट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। देखो जब फॉरवर्ड बायस करेंगे हम, तो फॉरवर्ड बायस में आपको पता है क्या होता है, डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ होता है वो कम हो जाता है। डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक बार देख लेते हैं क्या होता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। जब आप इधर फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि भाई आपने पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो आप ये देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो है जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अट्रैक्ट कर लेगा। सिमिलरली ये नेगेटिव टर्मिनल वाला इसको क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर होने लग गया, अब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर होने लग गया, तो हम ये कह सकते हैं कि करंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। हमें ये पता है कि कन्वेंशनली ये माना जाता है कि भाई जिधर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट में हमारा करंट का फ्लो होगा। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरीके से, अब जैसे जैसे सपोज कि हम वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अट्रैक्ट होते जाएंगे और इस तरफ आते जाएंगे। इसका मतलब एक
मगर ये कब तक होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही होगा, उसके बाद यहाँ पे डिप्लीशन रीजन कुछ तो हमेशा ही फॉर्म रहेगा क्योंकि वो एक स्ट्रांग पोटेंशियल है, तो वो हमेशा फॉर्म रखेगा एंड देयर आफ्टर एक टाइम आएगा, उसके बाद करंट हमारा जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो होके कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इधर के कुछ चार्जेज, जो चार्जेज इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, वो इस पोटेंशियल को, इस बैरियर को, इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर लेंगे और करंट जो है हमारा कंस्टिट्यूट हो जाएगा, करंट हमारा फ्लो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम रिवर्स बायस करते हैं, केस सेकंड देखें, जब केस सेकंड होता है तो केस सेकंड में आप ये देख सकते हैं कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अब इंक्रीज क्यों करेगा भाई, आपको ये पता है कि पी टाइप में पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव चार्जेस, और हम क्या करेंगे, इधर इधर पॉजिटिव लगा देंगे रिवर्स बायस कंडीशन में। मैं इधर बना दूँ, इसी को दिखा देता हूँ आपको, इधर क्या करेंगे हम, इधर पॉजिटिव लगा देंगे और इधर निगेटिव, तो होगा क्या, पी टाइप में जो निगेटिव चार्जेज हैं वो रिपेल होके यहाँ पे और बड़ा विड्थ बना देंगे, कि मतलब जो डिप्लीशन रीजन पहले कम था, अब एक और लेयर, लेट से कि एक और लेयर फॉर्म हो गया है और इस वजह से डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो है वो इंक्रीज कर गया। अब जब इंक्रीज कर गया तो हमारे किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी, इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि भाई वो इसको क्रॉस कर ले जाए। लेकिन जब हम रिवर्स बायस में भी पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो है इतना सफिशिएंट एनर्जी इसको मिल जाएगा कि ये क्या करेगा, इस डिप्लीशन रीजन को भी क्रॉस कर जाएगा और करंट कंस्टिट्यूट कर देगा एंड देयर आफ्टर वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो कंडीशन जिस पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट होने लग जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग ब्रेकडाउन कंडीशन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन के बारे में, तो एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन जो है वो तब होता है जब एक पर्टिकुलर पोटेंशियल से ज़्यादा हम पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो आरआरबी जेई का एग्जाम कह रहे हैं पिंकू साह, पिंकिना साहू, आप देखिए आरआरबी जेई का एग्जाम कब होगा, मैंने पहले भी बताया कि हम सिर्फ एक रफ एस्टिमेशन कर सकते हैं, ना तो मेरा किसी ना मैं किसी आरआरबी में कोई मेरा एक पर्टिकुलर पोस्ट है कि भाई हाँ मैं चेयरमैन हूँ तो मैं आपको एक बता दूँ एग्जैक्ट डेट, बट हाँ डेफिनेटली जून या जुलाई जो है मंथ होगा जहाँ पे आपका आरआरबी जेई का एग्ज़ाम CBT 1 का कंडक्ट होगा। CBT 2 का एग्ज़ाम जो है वो सितंबर या अक्टूबर में होगा, ठीक है। तो अभी काफ़ी दिन है, पढ़ाई अभी से चालू रखिए आप। मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 घंटे देने हैं सिर्फ CBT 2 के लिए। CBT 1 इतना स्ट्रांग कर लो कि आपको पहले से ही कोई डर ना हो कि आपको CBT 2 देने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे इसी डर में हैं और जिनके मन में ये डर है वो भैया पहले तो डर हटाओ कि CBT 1 क्यों नहीं होगा। CBT 1 में मैं आपको बता दूं कि रेलवे जो है 75% स्टूडेंट को, 75% तो नहीं कह सकते पर 60% स्टूडेंट को वो सेलेक्ट करेगा। तो अब अगर 60% में भी नहीं आओगे, लेट से कि अगर 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो 25 लाख में वो 1 लाख आपका 15 लाख बच्चों को ले ही लेगा। 15 लाख बच्चों को अगर ले लेता है, 15 लाख को भी नहीं लेगा तो कम से कम 12 लाख बच्चों को ले लेगा, और 12 लाख बच्चों अगर CBT 2 देंगे तो वहाँ कंपटीशन तो होगा, मगर ये मान के चलो कि आपको वो एग्ज़ाम निकालना मुश्किल नहीं होगा अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है अपनी, ठीक है। तो चलिए अब आप पहले से अभी से स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, फिलहाल पहले तो पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे, है ना, कि भाई हमने फॉरवर्ड बायस किया तो डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या हो गया, कम हो गया, और रिवर्स बायस किया तो विड्थ जो है हमारा इंक्रीज कर गया एंड इस इंक्रीज की वजह से हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है इस बड़े से रीजन को, इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से करंट कंस्टिट्यूट नहीं हो रहा। तो अब देखो दो तरीके के करंट होते हैं बेसिकली, एक तो होता है फॉरवर्ड करंट और एक होता है हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो हमें ये पता है कि फॉरवर्ड करंट क्या होता है। फॉरवर्ड करंट नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉरवर्ड करंट क्या होता है और रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होता है। देखो फॉरवर्ड करंट वो करंट है जो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से आता है। फॉरवर्ड करंट क्या है हमारा, विच फ्लोज ड्यू टू
मेजॉरिटी कैरियर्स, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि फॉरवर्ड करंट क्या है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। और रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट वो है जो विच फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, विच फ्लोज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स। तो आपको ये पता लग गया कि फॉरवर्ड करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है। भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जब फॉरवर्ड वोल्टेज, जब फॉरवर्ड बायस करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारा सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड करंट ही फ्लो हो रहा होगा, उस केस में भी रिवर्स सैचुरेशन करंट होगा। मैं आपको बताऊं कि भाई आप जब पोटेंशियल को एक प्रैक्टिकल डायोड को डिनोट करते हैं तो कुछ इस तरीके से करेंगे आप, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से करेंगे, और मैं वो आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअली में इसका जो पिक्चराइजेशन है कुछ ऐसा होगा, ये डायोड का वोल्टेज होगा, फॉरवर्ड डायोड वोल्टेज, और ये जो वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, तो डायोड वोल्टेज आपको ये दिख रहा है कि ये करंट, अगर ये पोटेंशियल होता है, ये कोई सोर्स होता है, तो ये करंट किस तरफ देता है, इस तरफ, और ये करंट किस तरफ देता है, इस तरफ। तो इधर से जो करंट जा रहा है ये हमारा आई फॉरवर्ड है, और इधर से जो करंट आ रहा है वो हमारा आई रिवर्स सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये फॉरवर्ड करंट है और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट। भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेमीकंडक्टर एक बाइपोलर डिवाइस है, और बाइपोलर डिवाइस कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई करंट जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी होगा और माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी होगा। मेजॉरिटी कैरियर्स, अब डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सेमीकंडक्टर है। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है, तो वहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर होंगे और करंट जो है वो उन दोनों की वजह से। आवाज आ रही है अभी, कोई आवाज में दिक्कत है आपके? ठीक है, तो देखिए मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी होगा और माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से भी होगा। तो हम बात कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है हमारा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, तो अब क्या होगा, करंट दोनों की वजह से फ्लो हो रहा होगा। लेकिन अगर हम एक्सट्रिंसिक पे आए, यानी कि एन टाइप और पी टाइप पे आए, तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स कौन से, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से, होल्स होते हैं। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी यहाँ पे भी फ्लो होगा, पर चूंकि मेजॉरिटी कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है एन टाइप में, तो उसकी वजह से करंट मुझे दिखेगा। मतलब अगर मेजॉरिटी की वजह से, लेट्स से कि मिली एम्पियर में करंट फ्लो हो रहा है, तो माइनॉरिटी की वजह से कुछ नैनो एम्पियर में करंट फ्लो हो रहा है। तो मिली एम्पियर और नैनो एम्पियर में फ़र्क है ना भाई। अब आप नैनो एम्पियर को इग्नोर कर दे रहे हो और मिली एम्पियर को देख रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ है कि भाई मिली एम्पियर जो है हमारा जो करंट है, जो करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है हमारे एन टाइप में, वो मिली एम्पियर्स, मतलब फॉरवर्ड में हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो मिली एम्पियर्स में है, और जो रिवर्स में हो रहा है वो नैनो एम्पियर्स या माइक्रो एम्पियर्स में हो रहा है। डिपेंड करता है कि हमने सेमीकंडक्टर कौन सा मटेरियल से बनाया है, वेदर इट इज़ मेड फ्रॉम सिलिकॉन और फ्रॉम जर्मेनियम, ठीक है। लंबी क्लास लूँ मैं, डिफरेंस बिटवीन जीनर एंड एबेलोंस ब्रेकडाउन, अभी हम ब्रेकडाउन भी पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, कि ब्रेकडाउन हमें डिटेल्स में पढ़ने हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें जीनर डायोड्स पढ़ने हैं, ठीक है, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों चीज़ों में, मैं पहले ही आपको बताऊँ। तो अब देखो, अब ये हमारी बात आ गई कि रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस केस में क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने दो तीन चीज़ें तो सुनी होंगी भाई, अगर आपको ये नहीं पता कि डिफ्यूज़न कैपेसिटेंस क्या होता है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होता है, तो आप, और आपको ये लग रहा है कि नहीं भी पता तो आपका काम चल जाएगा। मैं आपको बताऊं कि आपके सिलेबस में स्पेशल डायोड्स हैं, और ये स्पेशल डायोड्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इन दो कैपेसिटेंस पे। तो सबसे पहले जब हम स्पेशल डायोड्स पढ़ना चालू करेंगे, तो उस टाइम पर हमें ये ज़रूरत होती है कि भाई डिफ्यूज़न और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होते हैं। एंड आई एश्योर यू कि जो इसका
कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस फर्क इतना है कि ये आपको आज तक बताया नहीं किसी ने, आपको पढ़ाया नहीं किसी ने। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस समझा नहीं जा सकता एंड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस समझा नहीं जा सकता। देखो कोई चीज़ मुश्किल तभी तक है जब तक आपको नहीं पता। अगर आपको एक्चुअल में पता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है तो वो चीज़ मुश्किल नहीं रह जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों ने सबने ये टर्म सुने होंगे, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, जब आपने इंजीनियरिंग की है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि भाई हम बात कर रहे थे कि हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में क्या डिफरेंस होगा। तो अब देखो एक चीज़ और टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पहले तो अब हम इसका VI कैरेक्टरिस्टिक देख लें। देखो आइडियल डायोड की बात करें, दो कैरेक्टरिस्टिक मुझे देखनी होती है, एक तो आइडियल डायोड की और दूसरा हमारा प्रैक्टिकल डायोड की। तो भाई आपको मैंने पहले भी बताया है कि आइडियल हम क्यों पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल क्यों पढ़ते हैं। तो आइडियल इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि आइडियल एक्चुअल में तो एग्जिस्ट करता नहीं, पर यह है कि आइडियल अगर हमें पता लग जाए कि कैसा बिहेव करता है या फिर किस तरीके का होता, तो हम प्रैक्टिकल को आइडियल की तरफ ले जाते। मतलब अगर हमें अपनी परफेक्शन को इंक्रीज करना है तो हम आइडियल को स्टैंडर्ड मान के ही तो करेंगे ना कि भाई हाँ ऐसा कुछ होता तो अच्छा होता। भाई ऐसा ये हमारा प्योर है, ये डायोड का भगवान है। जैसे हमारे लिए एक भगवान, वैसे ही हमारे डायोड के लिए एक भगवान है जिसको हमने आइडियल डायोड कहा हुआ है। आइडियल का मतलब आइडियल कुछ भी नहीं होता है ना, एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में। तो हम सिर्फ पढ़ते इसलिए हैं ताकि हम प्रैक्टिकल में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकें और ऐसे इम्प्रूवमेंट कर सकें। इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे, जब हमें पता हो कि आखिर इम्प्रूव करके हमें जाना कहाँ है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इंक्रीज़ क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए हमें डिक्रीज़ क्या करना है, तब जाके हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो आइडियल डायोड की अगर बात करें तो आइडियल डायोड में क्या है कि हमें क्या होता है, जब फॉरवर्ड बायस केस होता है तो हमारा डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना चाहिए। क्या कैसे बिहेव करना चाहिए, शॉर्ट सर्किट की तरह। और रिवर्स बायस जब होता है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करना चाहिए। अब देखो आप ये पूछेंगे कि शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की तरह क्यों, तो भाई साफ सीधी सी बात है, अगर शॉर्ट सर्किट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैंने वोल्टेज अप्लाई किया और ये कुछ इस तरीके से है, डायोड है, देखो ये डायोड था पहले कुछ इस तरीके से, अब इसको मैं शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे वोल्टेज अप्लाई करने के बाद कोई भी यहाँ पे दूसरा पोटेंशियल नहीं आया जो इससे फ्लो हो रहे करंट को रोकेगा। एंड देयरफॉर और यही हम चाहते थे कि भाई फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्ट करे और करंट कंडक्ट करे मगर उसको कोई अपोज नहीं करे। अपोज कब नहीं करेगा, जब यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या बैरियर पोटेंशियल नहीं होगा। तो कॉन्टैक्ट पोटेंशियल और बैरियर पोटेंशियल जब नहीं होगा तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट सर्किट एज्यूम करेंगे और ये हमारा आइडियल डायोड का केस है व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। जब रिवर्स बायस्ड होगा तो हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जितना कम हो उतना अच्छा है, जितना कम हो उतना अच्छा है, और ना ही हो तो और भी अच्छा है। तो ओपन सर्किट जब हम कर देंगे तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा रिवर्स बायस कंडीशन में, ठीक है। ये हमारा दो अजम्पशन है आइडियल डायोड के लिए। तो हम VI कैरेक्टरिस्टिक भी जो है पढ़ेंगे आइडियल डायोड का, और प्रैक्टिकल डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज बायस पे हमारा जो है एक फॉरवर्ड वोल्टेज होता है जिस जो अप्रॉक्सीमेटली जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट है, एंड रिवर्स बायस पे करंट होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है जिसको हम लोग आई नॉट से डिनोट करते हैं, एंड दिस ये जो है अप्रॉक्सीमेटली सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पेयर्स में होता है, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ कि सिर्फ नैनो एम्पेयर्स में होता है, नैनो एम्पेयर्स ऐसे लिख सकते हैं, नैनो एम्पेयर्स टू माइक्रो एम्पेयर्स, माइक्रो एम्पेयर्स में होता है हमारे जर्मेनियम के लिए, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है, प्रैक्टिकल डायोड में शॉर्ट सर्किट नहीं होता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो कम से कम हो, या जो बैरियर पोटेंशियल है इसको VB से भी डिनोट कर सकते हो आप, VD से भी डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है। तो जो हमारा पोटेंशियल है वो कम से कम हो, क्योंकि भाई ये जितना कम होगा एक्चुअली में क्या होता है, ये इस तरीके से पोटेंशियल होता है ऐसा, ठीक है। मैंने डायोड को रिप्लेस कर दिया है इससे, ये पहले डायोड कुछ ऐसा था इस तरीके का, और इसको रिप्लेस करेंगे प्रैक्टिकल डायोड को
फॉरवर्ड बायस केस में तो कुछ इस तरीके का आएगा। अब आप देख सकते हैं ये 0.7 वोल्ट है और ये कोई वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है, तो वोल्टेज जो है ना, आप जब 0.7 वोल्ट तक तो इसमें कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा क्योंकि ये अपोज करता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे ही 0.7 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा होगा वैसे ही यहाँ पे एक करंट कंस्टिट्यूट होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, समझ गए। और आज क्या बात है, आज बच्चे ज्यादा हैं पर लाइक्स नहीं है, ऐसा कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई चीज, कोई टॉपिक नहीं समझ में आई, अभी क्लियर नहीं है, तो अभी बताओ मेरे को, अभी मैं अभी क्लियर कर लेंगे अपन, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो भाई, क्योंकि हम धीरे धीरे जो है एडवांस पे पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हो कि हम प्रैक्टिकल डायोड पे आ गए हैं एंड देयर आफ्टर हम स्टडी करेंगे भाई वीआई कैरेक्टरिस्टिक। वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम आएंगे टेम्परेचर पे, किस तरीके से डायोड का कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर के वेरिएशन से क्या हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज वैरी होगा, क्या हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट वैरी होगा, और अगर होगा तो किस तरीके से होगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम आते हैं, अगर आ गया है तो फिर ठीक है, सौम्य कह रहे हैं आ गया, बाकी और किसी का जवाब आया नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, जल्दी बता दो, इतना टाइम थोड़ी लगता है, थम्स अप करके बता दो, यस सर लिख के बता दो, कुछ भी लिख के बता दो, यस यस कह दो, हाँ हाँ कह दो, कुछ भी कह दो, पर बताओ, नहीं आया तो नहीं बताओ। कोई अब किसी का कुछ भी नहीं आ रहा, भी मैं देख लूं। आ गया, हाँ ये कह रहे हैं आ गया, चल ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे। आइडियल डायोड, देखो आइडियल डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो आइडियल डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली में हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हमारा आई है, ये हमारा वी है, तो इस चीज़ को याद रखना कि यहाँ पे आई और यहाँ पे इस एक्सेस को हम वी कंसिडर करते हैं जब हम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ कर रहे होते हैं, और वैसे भी आपका ऐसे ही ड्रॉ होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब हम इसका बनाएंगे तो मुझे ये पता है, मैंने ये कहा कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट की तरह एज्यूम करेंगे, और रिवर्स बायस में हम लोग इसको ओपन सर्किट की तरह एज्यूम करेंगे। तो आप समझिए इस चीज़ को अब, कि शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि वोल्टेज इक्वल टू जीरो, और वोल्टेज इक्वल टू जीरो पे आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, या आई जो है इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, वोल्टेज जब जीरो होगा तो आई वहां पे बहुत ही उस अमाउंट में फ्लो होगा ना भाई, शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब जितना भी करंट आएगा वो सब फ्लो हो जाएगा। या हम ओपन सर्किट की बात करें तो आई इज इक्वल टू जीरो और वी इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी आपने अप्लाई किया है वोल्टेज, या वी अप्लाइड वोल्टेज लिख दे रहा हूँ, अप्लाइड वोल्टेज, जो भी वोल्टेज अप्लाई किया है, आपको ये पता है कि अगर ये ओपन सर्किट है और मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो ये 5 वोल्ट कहाँ अपीयर हो जाएगा, इस पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट जो है इस तरीके से अपीयर हो जाएगा, तो मैंने लिखा अब जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वी इज इक्वल टू वी अप्लाइड हो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, इसको अगर भूल भी जाओ आप तो देखो ये एक केस है कि V इक्वल टू जीरो होगा और I इक्वल टू जीरो होगा। तो आप ये देखिए फॉरवर्ड बायस, पहले मैं फॉरवर्ड बायस का बना रहा हूं, तो फॉरवर्ड बायस में V इक्वल टू जीरो यहां पे, और कह रहा V इक्वल टू जीरो पे I जो है, अब शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, तो मैं इसको डार्क इस तरीके से शेडो कर रहा हूं। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस केस में तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। दूसरा, अगर रिवर्स बायस की बात करें तो इसका मतलब यह है कि आई इक्वल टू जीरो है। अब आई इक्वल टू जीरो भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, आई यहां इसी एक्सिस पे जीरो है, लेकिन वी कह रहा है वी अप्लाइड है, तो वी अप्लाइड जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते जाओ वैसे वैसे, तो ये हमारा
जो है इस तरीके का मिलेगा। आई इक्वल टू जीरो पे वी की कुछ वैल्यू है और वी इक्वल टू जीरो पे आई की कुछ वैल्यू होगी, तो मैंने इस तरीके से दिखा दी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं, पर ये कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ये भी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, तो आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से होगी, और हम भी यही चाहते हैं कि अगर कोई प्रैक्टिकल डायोड हो तो करंट जो है वो इसके पास हो। जैसे आपको ये पता है, इतना तो आप लोगों को पता है कि करंट प्रैक्टिकल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक में फॉरवर्ड बायस केस में कुछ इस तरीके से जाता है ग्राफ, तो हम ये चाहेंगे कि ये वाला जो ग्राफ इस तरफ जा रहा है वो कुछ इस तरफ ही रहे, मतलब ये वाला वोल्टेज कम से कम पे मिल जाए। वोल्टेज देखो जीरो पे मिल गया ना करंट मुझे, तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम वोल्टेज अप्लाई करें और करंट मुझे ज़्यादा मिल जाए। तो प्रैक्टिकल डायोड के केस में हम ये चाहेंगे ना कि फॉरवर्ड वोल्टेज जो है हमारा वो कम से कम हो, और वो कम कब होगा, जब कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कम होगा। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कॉन्टैक्ट पोटेंशियल फॉर्म होता है। देखो अगर आप बारीकियों में जाओगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, कि आखिर ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल कम कैसे किया जा सकता है। एंड इन्हीं सब चीज़ों के मॉडिफिकेशन से हमने अलग अलग तरीके के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फॉर्म कर लिए हैं आज के टाइम में। आप एक इंजीनियर हैं, और इंजीनियर अगर हैं तो आपका काम रिपेयरिंग का नहीं है, आपका काम डिवाइस को सिर्फ ऑब्जर्व करने का नहीं है, आप इंजीनियर्स का काम होता है नए नए डिवाइसेस को बिल्ड करने का। क्योंकि अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत कम नॉलेज दी जाती है बच्चों को, और थ्योरेटिकल लेवल पे इतनी दे दी जाती है कि देखो जब तक एक नॉलेज जो है ना इनकम्प्लीट है, जब तक हम उसका थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों ही कम्प्लीट ना करें। तो इंडिया में एक्चुअली में क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट पर बहुत कम फोकस किया जाता है, बाहर में प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और थ्योरी पे कम। तो इस वजह से अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा होती है, पर अगर जो आपके साथ कंडीशन है वही सबके साथ है, तो आप कोई अलग नहीं है। तो जो भी आपको सिचुएशन मिला है ना, उस सिचुएशन में ही सीखने की कोशिश करो, बस थोड़ा सा खुद से हाथ पैर मारना पड़ेगा, अपने को धक्का देना पड़ेगा कि भाई ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से आया, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन फिर आपको हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी फ़िलहाल आपका पहला काम तो एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम जब कवर हो जाएगा, कोई जॉब लग जाएगी, तब आपका प्रैक्टिकल सेंस भी जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है जो इम्प्रूव हो जाएगा जब आप उस इंडस्ट्री में, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जॉब करेंगे। अब क्या होगा कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं, फिर आपका प्लेसमेंट हो गया आईटी सेक्टर में, आपने जो 4 साल पढ़ा वो तो गोल हो गया, वो तो उसका यूज ही नहीं हुआ कहीं पर। प्लस ये भी हुआ कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था वो चीज़ें जाके आपको काम करनी पड़ेंगी, और यही चीज़ जो है आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है। भाई जब तक आप अपने, मैं आपको कहूँ कि जब तक आप अपना पैशनेट वर्क नहीं कर रहे हैं, तब तक आपको कैसे ये लग सकता है कि भाई आप जो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है वो किसी और रीज़न से। भाई उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो आप करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, एंड देयर आफ्टर आप वो कर रहे हैं जो दूसरा चाह रहा है। तो इसीलिए अपने आप को एटलीस्ट इस तरीके का बनाना है कि जो 4 साल आपने पढ़ाई की है या 3 साल पढ़ाई की है, एटलीस्ट उन 3 साल की पढ़ाई का या 4 साल की पढ़ाई का यूज जो है, एप्लीकेशन जो है, आप कर सके। ठीक है, समझ गए। कोई क्वेश्चन है? चलो अब देखिए आते हैं हम, ये तो हो गया हमारा आइडियल डायोड का, इसको आप बना लेंगे, ये जो है ना आइडियल डायोड का है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप बना लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल डायोड का किस तरीके से होता है। देखो प्रैक्टिकल डायोड की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल डायोड का वी आई कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसा होता है, आपको सबको पता है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है, और ये पॉइंट होता है हमारा, इसको मैंने कह दिया दिस इज वीडी। ठीक है, ये हमारा वीडी है, ये आई है, ये वी है। ठीक है, ये हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक है प्रैक्टिकल डायोड का।
अब VI कैरेक्टरिस्टिक देखो, मैंने डायरेक्टली आपको बना दिया है, ये हमारा मिली एम्पियर्स में होता है, ये वोल्ट्स में होगा, वोल्ट्स में, ये हमारा जो होता है ये नीचे की तरफ जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, अगर सिलिकॉन है, फॉर सिलिकॉन लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन है तो ये नैनो एम्पियर्स में होगा, नैनो एम्पियर्स में होगा ये सारा वैल्यू, ठीक है ना, इसको 5, 10 इस तरीके से मान लें, तो नैनो एम्पियर्स में हमारा क्या होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट, और मिली एम्पियर्स में हमारा फॉरवर्ड करंट होगा, जो रियल करंट है जो हम लोग चाहते हैं फ्लो कराना, ठीक है। तो मिली एम्पियर्स में देखो, एक डायोड कितने कम अमाउंट ऑफ करंट पे वर्क करता है, एंड दैट इज़ वाई दीज डिवाइसेज आर गेटिंग पॉपुलर डे बाई डे, कि भाई आपको पता है LED आप खरीद के लाते हैं जब घर में, तो आपको ये पता है कि LED महंगा तो है, आप जब खरीद रहे हैं महंगा तो पड़ेगा आपको, लेकिन आपको ये 2 साल की वारंटी तो वैसे ही मिल जाती है, प्लस आपको ये भी पता है कि ये पूरे साल भी जलाएंगे तो बहुत कम बिजली बिल आएगा, और इस वजह से आज लोग इतना प्रेफर कर रहे हैं इन डिवाइसेस को। तो ये एक्चुअली में कम करंट कंस्टिट्यूट करके ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब आपको जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न दे देगा। तो भाई आप इन्वेस्टमेंट वहीं पे करेंगे ना जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाए। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस कुछ ऐसा ही डिवाइस है, एंड देयरफॉर दीज डिवाइसेस आर गेटिंग पॉपुलर डे बाई डे। तो आप लोगों को भी कुछ अच्छा करना है। अब ये हमारा देखो, ये हमने पढ़ लिया ना, इसको मैं हटा नहीं रहा, इसको एक और टॉपिक मैं आपको यहीं से बता दे रहा हूँ कि टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन VI कैरेक्टरिस्टिक, ऑन VI कैरेक्टर, VI कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से चेंज होगा टेम्परेचर के चेंज करने से। अब देखो, टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो मुझे ये पता है, एक्चुअली में ये चीज़ याद रख लो कि भाई फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशेंट जो होता है, टेम्परेचर कोफिशेंट ये आपको पता होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशेंट क्या होता है, नहीं पता तो पहले के लेसन में मैंने पढ़ाया है, अल्फा जो होता है वो होता है हमारा नेगेटिव, ये होता है हमारा नेगेटिव, दिख रहा है आपको, नेगेटिव होता है, तो टेम्परेचर कोफिशेंट हमारा नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर के डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है हमारे डायोड का, तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज दोनों ही डिक्रीज कर रहे होंगे। तो अब वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये माना गया है, ये कैलकुलेशन वगैरह करके ये बता दिया गया है कि I0 डबल्स, डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज, 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा ये बताया गया है कि dVdt इज इक्वल टू -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ये इक्वेशन, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई I0 कह रहा है कि डबल हो जाता है अगर 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज कहीं पे आ रहा है। दूसरा ये कि चेंज इन फॉरवर्ड वोल्टेज, VD लिखा हुआ है मैंने, या डायोड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि चेंज इन डायोड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर जो है हमारा वो क्या है, -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और डिक्रीज होने की वैल्यू जो है हमारा -2.5 मिली वोल्ट है अगर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है। तब 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज होने से -2.5 मिली वोल्ट, यानी कि 2.5 मिली वोल्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी इस पे एग्जांपल्स हम देख लेंगे, पर मैं एक कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं आपको, देखिए इस तरीके से, बस मैं इसको दिखा दे रहा हूँ T1, और ये कह रहा हूँ मैं T2। मैंने दो ग्राफ्स बनाए हैं, एक T1 है हमारा और एक T2, और मैं कह दूंगा कि T1 जो है वो ग्रेटर देन है T2 से, सॉरी T2 जो है वो ग्रेटर देन है T1 से। क्यों, आप देखो
इसका वीडी अगर हम देखें तो वीडी यहाँ पे है, ये T2 है ना हमारा। देखो टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से -2.5 मिली वोल्ट हो जा रहा है, मतलब जो हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। कितने से? 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज होने से -2.5। तो 10 डिग्री सेल्सियस का लगभग चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो 25 मिली वोल्ट, लेट से कि मैंने कुछ 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज किया तो डायोड वोल्टेज जो है पहले यहाँ पे ज़्यादा था, अब यहाँ पे क्या हो गया है, कम हो गया है। तो आपको ये दिख सकता है कि यहाँ पे पक्का हमने T2 को इंक्रीज किया होगा, T2 को इंक्रीज किया गया होगा, तभी जो है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से डायोड वोल्टेज डिक्रीज हो गया। या हम ऐसा कह लें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। भाई फॉरवर्ड वोल्टेज कम हो गया, या ऐसा कह लें कि रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया, जिससे हमारा कम वोल्टेज पे ही करंट जो है इंक्रीज कर गया। दूसरा ये रिवर्स साइड पे देख लेते हैं कि रिवर्स कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन में क्या हुआ है। तो मैंने ये कहा कि I0 जो है, यानी कि रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है, वो डबल हो जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज होने से। तो आपको ये दिख रहा है कि अब पहले रिवर्स सैचुरेशन करंट का क्या था वैल्यू, अब यहाँ से पहले ये यहाँ तक फ्लो हो रहा था, ये वैल्यू थी इसकी जो फ्लो हो रहा था, अब ये इस तरीके से यहाँ वैल्यू पहुँच गई। तो ये लगभग 10 है, इसको 10 कह ले रहा हूँ मैं, ये 15 है, तो 10 नैनो एम्पियर लगभग क्या हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस की वजह से 10 नैनो एम्पियर का चेंज आ गया है। एंड फर्दर इसका ब्रेकडाउन भी जो है वो लेट से होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस था VI कैरेक्टरिस्टिक पे, ये आपको एग्जाम में दे सकता है कि दो कैरेक्टरिस्टिक दे दे और पूछ दे कि कौन सा ज़्यादा होगा, रिलेशन पूछ देगा T2 इज इक्वल टू T1, T2 ग्रेटर देन T1, T2 लेस देन T1, नन ऑफ दीज, वी कैन नॉट रिलेट दीज, इस तरीके से ऑप्शंस में होंगे, ठीक है। गुड सौम्य, अगर आपने TCS में नहीं ज्वाइन किया, वेरी गुड, ज़रूरत भी नहीं है आपके, जिस तरीके से आप कंसिस्टेंट हैं डेफिनेटली आपका यहीं से आपके अपने सेक्टर में हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दे रहा हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि I0 कुछ फ्लो हो रहा था हमारा 10 नैनो एम्पियर में, ठीक है, एट टेम्परेचर, टेम्परेचर गिवन होगा, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू कहेगा ये कि 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना फ्लो हो रहा था, ठीक है। पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I0 इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो अगर ये I0 की वैल्यू पूछे, ये I0 1 कर दे रहा हूँ मैं, ये I0 2, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता है I0 डबल हो जाता है हर एक 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज होने से, तो आप ये देखिए सबसे पहले तो ये चेंज कितने का हुआ है, 20 से 80 चलाया है। तो 20 से 80 चलाया, यानी 20 मैं 10-10 के पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। तो अब ये 70 और ये 80, तो अब मुझे देखना है कितने चेंज आए, एक 10 चेंज यहाँ पे आया, तो कितने चेंजेज हैं, 10 यहाँ पे, 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 कितने चेंज हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपको ये पता है कि एक बार में क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। पहले वैल्यू कितनी थी, 10, अच्छा 10 थी, तो 10 से पहले तो यहाँ पे 20 से 30 जब टेम्परेचर करेंगे तो वैल्यू क्या हो गई होगी, भाई वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 से 30 जब जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 20 नैनो एम्पियर, फिर 30 से 40 जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 40 नैनो एम्पियर, 20 से 2 गुना, ठीक है ना। 10 का डबल किया तो 20 हो गया, 20 का डबल किया तो 40 हो गया, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, 160 का डबल 320 और 320 का डबल 640 नैनो एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 640 नैनो एम्पियर करंट जो है अब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया है हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो, ठीक है, समझ गए। अमित यादव पूछ रहे हैं इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो हल्ला करो फिर, नहीं होना चाहिए देखो कभी कभी, वैसे शांति से पढ़ाई कीजिए आप लोग, अच्छी बात है, बिना कमेंट की। ऑनलाइन स्टडीज का मतलब ये नहीं कि आप लगातार चैट बॉक्स में लगे रहेंगे और बातें करते रहेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। तो अब देखिए
एक चीज, एक इक्वेशन मैंने आपको ये भी लिखी कि डी वी डी बाई डी टी जो होता है वो -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन आएगा, लेट से क्वेश्चन कह देगा आपको कि सिलिकॉन है मेरे पास, सिलिकॉन है और सिलिकॉन का आपको पता है डायोड वोल्टेज या फॉरवर्ड वोल्टेज 0.7 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेटली होता है। तो आप यहां से क्या लिखेंगे और ये दे देगा T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये हुआ था। अब पूछेगा डायोड वोल्टेज क्या होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 30 नहीं, लेट से कि ये 40, मैं इसको 50 कर लेता हूँ, 50 भी नहीं, इसको 120 कर लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो 20 से 120 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है। अब देखो चेंज कितने का है, चेंज आया है हमारा 100 का, ठीक है ना, कितना 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है। मैंने क्या पढ़ा कि भाई चेंज पर डिग्री सेल्सियस में -2.5 होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, -2.5 इंटू 100, इसका मतलब ये कितना है, -250, ठीक है, 250 क्या मिली वोल्ट। अब मुझे ये पता है कि डायोड वोल्टेज पहले केस में एट टेम्परेचर T1 क्या था, 0.7 वोल्ट, VD2 पूछा गया है तो VD1 क्या था, 0.7 माइनस कितना 250 मिली वोल्ट, 250 मिली वोल्ट को हम लोग 0.250 वोल्ट लिख सकते हैं या 0.25 वोल्ट लिख सकते हैं। अब 0.25 इसमें से माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा हमारा 0.675 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डायोड वोल्टेज का 675, ठीक है। ट्वेंटी से 30 हो रहा है तो मैंने उसको 10 नहीं लिखा, मैंने 20 लिखा है सॉम में, उस चीज को चेक करो आप, 20 ही लिखा है मैंने, 20 होना चाहिए और 20 ही लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब मैं आपको वापस दिखा नहीं सकता, आप पीछे करके देख लेना, अगर नहीं लिखा है तो उसको सही कर लेना, ये कॉमन सी चीज है, ठीक है। और गाइस प्लीज शेयर करो यार, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे, ये गलत बात है भाई, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आपको मैं रोज़ वही सेम चीज़ रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज़ें बाद में अच्छी नहीं लगती आपको बोलना, पर मैं क्लासेस रेगुलर हूँ, इस चीज़ का एक आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, जितने बच्चों एटलीस्ट उतने रेगुलरली आओ तो ये एक अच्छी बात है कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। उसके अलावा कभी भी टाइम मिले तो शेयर कर दिया करो, बता दिया करो दोस्तों को कि हाँ यहाँ पे क्लासेस चल रही है, ठीक है। और कल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की क्लास नहीं हुई थी ड्यू टू सम रीजन, आज होगी किसी भी कोई भी हालत में, ठीक है। तो आज का सेशन हम इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे क्योंकि सेशन होता है, और ऐसे ही जो है इसके बाद दूसरे और लेक्चर्स भी हैं वो लगेंगे यहाँ पे, ठीक है सर। क्लास टाइम बढ़ा या एक घंटा, तो पहले आप एक घंटे का तो रिस्पॉन्स बढ़ाओ, अब हर चीज़ मैं ही बढ़ाऊँ आप कुछ मत बढ़ाओ तो फिर कैसे होगा। कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी हमारा सपोर्ट करके कुछ और क्राउड बढ़ाओ, क्राउड इतना बढ़ा दो कि भाई हम लोगों को मजबूरन बढ़ाना पड़े क्लासेस। इस क्राउड में तो बहुत मुश्किल है कि क्लासेस की टाइमिंग बढ़ाई जाए, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो कल की क्लास में पूछ लेंगे हम, पूछ लेना आप लोग, और मैं कल आपको लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।